हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, IDFC लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग कवर करेंगे नंबर करोड़ में है। और अगर गाइज हम यहाँ पर पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे, यहाँ पे इनकम है अगर देखा जाए तो 9.7 करोड़ का इनकम है, जबकि पिछले क्वार्टर में चार्ज किया था 7.6 करोड़ का और मार्च 2023 क्वार्टर में 52.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो 2.6 करोड़ का पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का और मार्च 2023 क्वार्टर 48.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जबकि बहुत ही कम एक्सपेंस हुआ है, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस में भी डाउन है और बहुत कम उसके प्रॉफिट में इंप्रूव किया। और यहाँ पे गाइस एसोसिएट्स के साथ कंपनी का शेयर प्रॉफिट हुआ 343.5 करोड़ का, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 350.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 204.8 करोड़ का और मार्च 2023 क्वार्टर में 272.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे अगर देखिए तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से 3485 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2023 क्वार्टर में, और इस बार कंपनी को ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके कारण प्रॉफिट है 347.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 210 करोड़ का और मार्च 2023 क्वार्टर में 3387.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 2.17 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड में उतना कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की इनकम और प्रॉफिट दोनों में डाउन है। अगर हम फिनांशियल ईयर की बात करें, इनकम 68.7 करोड़ का और 23 में 154 करोड़ का, इनकम में बहुत बड़ी फॉल है। एक्सपेंसेस 28 करोड़ का और 23 में 63.6 करोड़ का, एक्सपेंस भी फॉल हुआ है इनकम के अकॉर्डिंग। एसोसिएट्स के साथ कंपनी को 1013 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1053 करोड़ का और 23 में 1064 करोड़ का, अभी भी डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 1045 करोड़ का, 23 में 43.9 करोड़ का, बहुत बड़ी फॉल है, 4 टाइम्स का गिरावट देखने को मिल रही है। EPS 6.53 रुपीज़ का 23 से डाउन देखने को मिला है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड में एवरेज रिजल्ट पेश किया, क्योंकि कंपनी का इनकम ईयर ऑन ईयर की इनकम और प्रॉफिट दोनों में डाउन है। फिनांशियल ईयर एंडेड में भी कंपनी का इनकम प्रॉफिट में डाउन देखने को मिल रही है। और अगर हम स्टैंडअलोन की बात करें गाइस, तो इनकम में 5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का चार्ज किया, मार्च 2023 क्वार्टर में 1797 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। और इनकम में डाउन ईयर ऑन ईयर में इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी को डिविडेंड इनकम मार्च 2023 क्वार्टर में गेन हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का और मार्च 2023 क्वार्टर में 12.8 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो एक्सपेंस भी डिक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का लॉस है और मार्च 2023 क्वार्टर में 1784 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10.7 करोड़ का लॉस है और मार्च 2023 क्वार्टर में 1781 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 0.02 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट एवरेज पेज है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है और फिनांशियल ईयर एंडेड का भी इनकम प्रॉफिट में डाउन है, इसलिए गाइस कंपनी का जो रिजल्ट आया है एवरेज देखने को मिला है। शेयर की बात करें 114.85 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, 2.7% का क्रैश किया। और गाइस कंपनी का रिजल्ट आते ही थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या क्लोज होने से पहले क्या कंपनी पॉजिटिव में आती है या फिर नहीं। लेकिन गाइस चांसेस है कि कंपनी का शेयर जो है इतना जिस तरह की देखने को रिजल्ट आया गाइस, चांसेस की कंपनी के शेयर में तो कोई खास मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आज के दिन फिनांशियल सेक्टर के सभी कंपनीज के जो शेयर है फॉल देखने को मिला, चाहे वो हिडको हो गया, LIC हाउसिंग फिनांस है, PNB हाउसिंग फिनांस, IDFC है, एप्टस वैल्यू है, कैन फिन होम है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस है, होम फर्स्ट, सभी के शेयर्स आज के दिन क्रैश करता हुआ नजर आ रही है। तो गाइस इसलिए गाइस इस कंपनी का भी शेयर में क्रैश करता हुआ देखने को मिला। अगर हम एक महीने की बात करें 1.9% का फॉल हुआ, 3 मंथ में 2.8% का और फॉल दे लॉस देखने को मिला। तो अगर आप इसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइस, तो कंपनी अभी जो है एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रही है। तो गाइस वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि कंपनी एक सपोर्ट ले रहा है तो इसको सपोर्ट लेने दीजिए, उसके बाद आप इसमें वेट कीजिए। 110 रुपीज़ के आसपास जब इसके शेयर आते हैं गाइस, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और अगर आप लॉस में गाइस तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।